कितना को तेल पे है भाई जान? तेल तेल तकरीबन जनाब आधा को लीटर पा दियो। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर होस्ट आकिब अली एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं जी माशाल्लाह बाइक लेने, तो मेरे साथ उमर भाई हैं। आवाज की गड़बड़ होगी क्योंकि हवा भी बहुत तेज है, देख सकते हैं जी। तो जा रहे हैं जी अपने बाइक के लिए और होपफुली कि आवाज बिल्कुल ठीक आ रही होगी अभी तो, क्योंकि पीछे रखा हुआ है फोन और उसके पीछे मैं हूँ। तो अपने सफर का आगाज कर चुके हैं ऑलरेडी, बाइक पे बैठे हुए हैं आप देख सकते हो, ये हमारा रोड। देख सकते हो एक फराड़िया पैसे गिन रही है बहुत शक्ल से वाले पैसे काटड़े ने ना। अपने इलाके का बंदा, अपने महल्ले का बंदा जी, इतू तो पैसे भी इन्होंने देड़े सारे पैसे ना तुम्हें देड़े ने। झोला वेखो इन्हें इंज पाए है जिम्मे ना पैर तकड़ जा रही है और आसन है। तेल बड़ा कितना को तेल पे है भाई जान? तेल तेल तकरीबन जनाब आधा को लीटर पा दियो। नहीं नहीं कर दो लीटर कर दो ना, ठेपे ठूपे वापस दे दियो। कौन देंदे है थले ले के तेल? आहो यार पढ़िया नहीं हुआ कैसा बंदा, नहीं अगला ड्राइवर ले सकता है उस्ताद। वेरी गुड यार, मैंने समझा कि पाकिस्तान वैसे का वैसा ही है, चेंज हो गया है, पाकिस्तान में रूल चल गए हैं भाई, बाकी को फॉलो नहीं करता है, रूल बड़े हैं भाई। पेट्रोल डलवाने के बाद जी उमर के दोस्त के घर गए, जिसकी ये बाइक आपको सामने नजर आ रही है जी, मेट्रो कंपनी की बाइक जिसकी हालत बहुत ही अच्छी थी और हर चीज़ इसकी जेन्युइन थी और भाई साहब गारंटी भी दे रहे थे भाई हर चीज़ जेन्युइन है। और रेट ये इसका जी हमारा को 50,000 बता रहे थे, हमने कहा जी हम आपको जाकर बताएंगे। पाकिस्तान की दरगाह है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह यार ये बंदे भी इंसान ही है ना, लानत है उन हुक्मरानों पर जो इन जैसे लोगों पे, गरीब तो गरीब सही, इन जैसे लोगों पे रहम नहीं खाते। अफसोस होता है उन हुक्मरानों पर जो भाई मुल्क चला रहे हैं, मुल्क क्या चला रहे हैं भाई, पैसा जेबों में डाल रहे हैं और लूट रहे हैं। ये लोग ऐसे हैं जो कि इमदाद के मुस्तहिक हैं कि ऐसे लोगों को यार जो लोअर 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 लेवल के हैं ना, लोअर लेवल पे हैं, इन लोगों की इनके हेल्प वगैरह करनी चाहिए, जिनको महाजर कहते हैं। और बड़ी तकलीफ होती है इन बंदों को देखकर, इन लोगों को देखकर कि इन हालातों में रह रहे हैं। पानी आप देख सकते हैं, पानी नीचे था जी और मट्टी इस तरह का गारा बना हुआ था, ठीक है, वहाँ पे बंदे रह रहे हैं बेचारे मजबूर। किंज कर रहे हैं लैग निकल जाए भाई जान, निकल गया बंदा लैग मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल अपना वापस आ गया, हम समझे भाई भाई ले गया वापस। माशाल्लाह ओए हिलना ओए, मैं वीडियो बना रहे हैं छोटे, माशाल्लाह देख सकते हैं जश्न आजादी इसलिए मना रहे हैं ये लोग। नाजरीन ये आप देख सकते हैं आगे जो ये माशाल्लाह हैवी बाइक जा रहा है, जहाज बाइक,
वो जो बंदा आगे जा रहा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बंदा जा रहा है ये वाला है, ये हमारा ही करिंदा है, हमने ये छोड़ा हुआ है ये बंदा। चल भाई चल। ले जी, हम पहुंचाए हैं जी मच्छी चौक गुजरात, और यहाँ पे बट साहब से मुलाकात हुई, जिनका ये होंडा बाइक है। बाइक कंडीशन तो ठीक ही थी और इनका रेट बहुत हाई था। हमने इनसे भी कहा जी हमने देख लिया बाइक, हम जाकर आपको बताएंगे। रात को घर वालों से डिस्कस करने के बाद यही फाइनल हुआ कि जो मेट्रो बाइक है बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, बाकी इसका थोड़ा सा बार्गेनिंग करके इसका रेट कम करें। रेट कम करने के लिए हमने बाइक को कॉल की, बाइक ने कहा भाई 50,000 फाइनल है। हमने कहा जी हमने ऑफर दी उन्हें 50,000 से थोड़ा कम करके 40,000 कर दे, बाकी 40,000 पे भी नहीं माने। फिर हमने जी 45,000 बोला, 45,000 पे भी वो नहीं माने। फिर हमने कहा यार अगर आपने देनी है तो फाइनल रेट है 45,000। ऑफर करने के बाद भाई जान नहीं मान रहे, तो हमने फिर यही कहा भाई हम नहीं ले सकते कि बहुत ज़्यादा रेट आप बता रहे हैं। तो उन दिनों हमने बाइक को किया स्कीप और बाइक ढूंढते रहे, तो अभी तक बाइक हमें नहीं मिली। तो अगर किसी बाइक के पास अच्छी कंडीशन में बाइक है तो बता दे हमें। थैंक यू वेरी मच व्लॉग देखने का, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पे अपने व्लॉग को एंड करते हैं, बहुत सारी दुआओं और बहुत सारे प्यार के साथ, अल्लाह हाफिज़।